अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल हादी मोहम्मद साद। और यार सबसे पहले आपसे माजरा चाहता हूँ, बड़े दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की, उसकी वजह ये थी कि मैं मसरूफ बहुत ज्यादा था। और ये है कि ईद गुजरी है और फिर मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, तो इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। तो यार आज मैं यहाँ सुरल पे आया हूँ, इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, हद से ज्यादा तारीफ सुनी है। और यहाँ पे सुना है कि अगर आप 6 बजे के बाद हैं तो आपको आधे आधे घंटे की लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। तो मैं टाइम पे आ गया हूँ और देखते हैं कि अंदर का क्या सीन है, ये कौन सी आइसक्रीम देते हैं, कौन सा शेक देते हैं। चलते फिर अंदर चलते। तो यार इनकी हमने एक बड़ी मशहूर जो है वो ओरियो वाली आइसक्रीम खाई है, ओरियो ब्लैक आउट, एक ऑफर कम हुए हैं और एक स्पेशल शेक आ रहा है जिसके लिए मैं इतना अभी से इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी देखते हैं कैसा है। बेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, यार आइसक्रीम भी खा ली, शेक भी पी लिया। यार इतना बड़ा शेक कोई, यार आपका क्या ख्याल है कितने का होगा? 800 का? नहीं, 600 का? नहीं, 200 का यार, 200 का ना, 200 200 का यार शेक था। और शेक फिर ब्राउनी, व्हिप्ड क्रीम, ऊपर खाली कोन, उसका मुझे तो हुआ कोन खाली। अच्छा तो दूसरी चीज ये कि हमने दो आइसक्रीम को मेरी थी, एक वॉफल वाली थी और जो ब्लैक आउट की थी, और जो वॉफल वाली थी अच्छी थी, टेक्सचर अच्छा था आइसक्रीम का, और जो इनका वॉफल था वो थोड़ा सा बारीक था, डाउन हो गई थी। जो ओरियो वाली आइसक्रीम थी ना, वो कमाल बेहतरीन, उसमें उन्होंने ओरियो के बिस्किट क्रश करके डाले थे जिसका अच्छा टेस्ट आ रहा था। बहुत मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा। जो ओरियो का कप था उसकी प्राइस थी 90, वॉफल वाले कप की प्राइस थी 120, यानी प्राइसेस इस ट्रेंड जीत रही है। अगर आप यही चीज अगर आप जाके किसी महंगे रेस्टोरेंट कैफे वगैरह में जाएंगे तो भाई ये आपको 500 से ऊपर ही मिलेगी। अच्छा तो यार डाल देते हैं कि शेक की तरफ में, जिससे सोशल मीडिया पे इसने तबाही मचा दी, हर तरफ बड़े बड़े ग्लास, ऊपर कोन, नीचे ब्राउनी, ऊपर व्हिप्ड क्रीम। शेक की जो सबसे अच्छी बात थी वो थी उसकी ब्राउनी।
ब्राउनी बहुत अच्छी थी, शेक का टेस्ट था वो हैवी नहीं लगा मुझे, अच्छा नहीं लगा। 200 रुपए प्राइसिंग थी तो शेक का टेस्ट इतना कुछ खास नहीं था, बाकी उसके अंदर जो ब्राउनी थी सारे पैसे मेरे हाथ से उसी के थे। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और अपने खाने की फोटो लेते हैं तो उसका कटे अपने इंस्टाग्राम पे लगाए #photographers के साथ, और अगर मुझे तस्वीर पसंद आएगी सर अपनी वीडियो खींचे करेंगे, और इससे पहले जो मैंने तस्वीरें आई उनमें से की है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी पसंदीदा जगह पे जाएं उसका रिव्यू बनाएं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।